यह बातचीत का एक बहुत ही दिलचस्प विषय है क्योंकि इंग्लैंड ने लगभग 140 वर्षों तक क्रिकेट खेला है और कुछ सर्वश्रेष्ठ हैं जो इंग्लैंड के लिए खेले हैं और वर्षों तक उनका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। हम उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि क्रिकेटर समय के साथ बेहतर होते गए हैं और यह क्रिकेट के गौरवशाली 140 वर्षों की एक झलक होगी। तथ्य यह है कि वे अलग अलग पीढ़ियों से आए हैं और अंग्रेजी क्रिकेट में योगदान दिया है जहां यह आज है। उनकी महानता का एक वसीयतनामा है। हम इस सूची के प्रत्येक खिलाड़ी के रिकॉर्ड में जाएंगे और तब हम समझ पाएंगे कि ये नाम यहां क्यों हैं। तो आइए अब तक के शीर्ष 10 महानतम इंग्लिश क्रिकेटरों पर नजर डालते हैं। नंबर 10 पर है एलिस्टर कुक। हमारी सूची में पहला खिलाड़ी अंग्रेजी क्रिकेट का अब तक का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, इसलिए उसे इस सूची में होना ही था। उन्होंने केवल 12 वर्षों तक सक्रिय रूप से क्रिकेट खेला, लेकिन उस सीमित समय में उन्होंने इंग्लैंड के लिए 161 टेस्ट मैच खेले, जिसका मतलब कुक के लिए हर साल 13 टेस्ट मैच थे। वह एक असाधारण बल्लेबाज थे और उनके बल्लेबाजी के रिकॉर्ड सब कुछ बोलते हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए 291 पारियों में बल्लेबाजी की और 12,472 रन बनाए, जो कि किसी भी अन्य अंग्रेजी बल्लेबाज से कहीं अधिक है। और उनके नाम पर 33 टेस्ट शतक और 5 टेस्ट दोहरे शतक भी हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 294 है। नंबर 9 पर हैं जेम्स एंडरसन। इस सूची में जिमी एंडरसन का न होना मूर्खता होगी, क्योंकि वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल तेज गेंदबाज हैं और वह अब भी मजबूत होते जा रहे हैं। अपने 20 साल के करियर में अब तक उन्होंने 169 टेस्ट मैच खेले हैं और उनकी फिटनेस उन्हें 200 टेस्ट मैच खेलने की अनुमति दे सकती है। इन 179 टेस्ट मैचों में उन्होंने 6,066 ओवर फेंके हैं और 640 टेस्ट विकेट लिए हैं और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 31.5 विकेट लिए हैं और 3 बार उन्होंने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए हैं। वह टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट का आंकड़ा भी हासिल कर सकते हैं। नंबर 8 पर हैं केविन पीटरसन। ऐसे कई क्रिकेटर नहीं हो सकते हैं जिन्होंने केवल 10 साल खेले हों, लेकिन अब तक की सबसे महान सूची में हैं और केविन पीटरसन इस तथ्य से पता चलता है कि वह कितने अविश्वसनीय थे। उन्होंने इंग्लैंड के लिए वनडे और टेस्ट क्रिकेट दोनों में बहुत अच्छा खेला। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 104 टेस्ट मैच खेले और उन टेस्ट मैचों में उन्होंने 47.29 की औसत से 8,181 रन बनाए और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 23 टेस्ट शतक और 3 दोहरे शतक भी बनाए। एक दिवसीय मैचों में उन्होंने इंग्लैंड के लिए 136 एक दिवसीय मैच खेले और उन्होंने लैंड के लिए 40 से अधिक की औसत से 9 एक दिवसीय शतकों के साथ 4,440 रन बनाए। नंबर 7 पर हैं वैली हैमंड। इंग्लैंड के लिए 1920 के दशक के सबसे महान हिटरों में से एक, जब ब्रैडमैन का युग था, वैली हैमंड थे और उन्होंने हर बार इंग्लैंड के लिए खेलते हुए बहुत सारे रन बनाए। उन्होंने 20 साल खेले और उन 20 सालों में उन्होंने इंग्लैंड के लिए 85 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 58.46 की आश्चर्यजनक औसत से 7,249 रन बनाए और डे ने 22 टेस्ट शतक और 7 दोहरे शतक भी बनाए और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक गहरा शतक भी बनाया। वह सर्वश्रेष्ठ में से एक थे। नंबर 6 पर है लियोनार्ड हटन। उसी युग में वैली हैमंड के रूप में एक और बल्लेबाज था जो अब तक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक था और उसने 18 साल तक खेला और उसने इंग्लैंड के लिए 79 टेस्ट मैच खेले और उन मैचों में उसने 56.67 की औसत से 6,971 रन बनाए और उसके पास है 19 टेस्ट शतक के साथ 4 टेस्ट दोहरा शतक और टेस्ट क्रिकेट में 364 का उच्चतम स्कोर। नंबर 5 पर है फ्रेड ट्रूमैन। फ्रेड ट्रूमैन इंग्लैंड के अब तक के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक थे और वह ऐसे युग में खेले जहां पिचें खुली हुई थीं और उन्हें विकेट लेने के लिए अपने कौशल का उपयोग करना पड़ा। उन्होंने कुल 67 टी मैच खेले और उन्होंने अपने शानदार करियर में 17.5 विकेट हॉल और 3.10 विकेट हॉल के साथ केवल 21.58 की औसत से 307 टेस्ट विकेट लिए। नंबर 4 पर हैं ग्राहम गूच। ग्राहम गूच इंग्लैंड के अब तक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक हैं और उन्होंने 20 वर्षों तक और उस युग में जब दुनिया में गेंदबाज सर्वश्रेष्ठ थे विश्व पटल पर उनका दबदबा था। उन्होंने 118 टेस्ट मैच खेले और उनमें उन्होंने 42.58 के बहुत अच्छे औसत से 8,900 रन बनाए।
जिसने 20 टेस्ट शतक के साथ दो दोहरे शतक और 333 का उच्चतम स्कोर था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 125 एक दिवसीय मैच भी खेले और उन्होंने औसत से 4290 रन बनाए 36.98 के, और उन्होंने अपने करियर में 8 एक दिवसीय शतक बनाए। नंबर 3 पर हैं इयान बॉथम। सर इयान बॉथम शायद अब तक के इंग्लैंड के लिए खेलने वाले सबसे महान ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। वह इंग्लैंड के सेटअप में एक विसंगति था और वह खेल के दोनों प्रारूपों में बदिस्ता और गेंदबाजी दोनों में महान था। उन्होंने 102 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 14 टेस्ट शतकों के साथ 33.55 की औसत से 5200 रन बनाए। उन 102 टेस्ट मैचों में उन्होंने इंग्लैंड के लिए 383 टेस्ट विकेट हासिल किए, जिसमें उन्होंने 27.5 विकेट लिए और 4 बार उन्होंने एक मैच में 10 विकेट लिए। वनडे प्रारूप में उन्होंने इंग्लैंड के लिए 116 वनडे खेले और उन्हें 2113 रन बनाए और उन्होंने इंग्लैंड के लिए 145 वनडे विकेट लिए। नंबर 2 पर हैं जो रूट। जो रूट इंग्लैंड के लिए तीनों प्रारूपों में एक साथ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं और उन्हें इस सूची में नहीं रखना अनुचित होगा। उसने इस खेल को केवल 10 वर्षों तक खेला है, फिर भी उसकी संख्या अविश्वसनीय है और वह समाप्त होने से पहले बहुत आगे जाएगा। उन्होंने अब तक 117 टेस्ट मैच खेले हैं और उन्होंने 49.20 के अविश्वसनीय औसत से अब तक 9889 टेस्ट रन बनाए हैं और टेस्ट क्रिकेट में 5 दोहरे शतकों के साथ उनके नाम 25 टेस्ट शतक हैं। और जब वह पूरा कर लेंगे तो इसमें हजारों और रन जोड़ेंगे। एक दिवसीय मैचों में उन्होंने अब तक 152 एक दिवसीय मैच खेले हैं और उन्होंने 51.09 की शानदार औसत से 6109 रन बनाए हैं और उनके नाम अब तक 16 एक दिवसीय शतक हैं। नंबर 1 पर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। हमारी सूची में अंतिम खिलाड़ी महान स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, जो जिमी एंडरसन की तरह देश के सभी समय के महानतम तेज गेंदबाजों में से एक हैं। वह अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और उसने अब तक इंग्लैंड के लिए 152 टेस्ट मैच खेले हैं और उसने अब तक 537 टेस्ट विकेट लिए हैं और वह अपने करियर के अंत तक 600 विकेट के आंकड़े तक पहुंच सकता है। उन्होंने 169 के उच्चतम स्कोर के साथ 3412 टेस्ट रन भी बनाए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 121 ODI मैच में 178 और 56 की 20 आई में 65 विकेट लिए हैं।